बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां हम आपके लिए लेके आते हैं। आज भी कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सब्जियों की तुड़ाई समय पर करें, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों का किया जाएगा चयन, ओल की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, सब्जियों की तुड़ाई समय पर करें। समय पर तुड़ाई करने से अच्छी सब्जी मिलती है। रेशे की मात्रा अधिक होने से मांग घट जाती है। तुड़ाई में विलंब होने से फलन भी कम हो जाता है। भिंडी में हर एक तीसरे दिन फल तोड़ना चाहिए। खीरा, नेनुआ, कद्दू को भी नाजुक रहने पर ही तोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत चतरा जिले के लाभुकों को बकरा, सुकर, ब्रॉयलर, कुक्कुट पालन और बैकयार्ड लेयर के अलावे बत्तख, चूजा वितरण किया जाना है। लाभुकों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में ऐसे परिवार जो पशुपालन की गतिविधि से जुड़े हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। किसान भाई, यदि आप फ्रेंच बीन की खेती कर रहे हैं तो अनुशंसित मात्रा में खाद और उर्वरक खेत में मिलाएं। 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर, नेत्रजन 40 से 50 किलोग्राम, फास्फोरस 75 से 80 किलोग्राम और पोटाश 55 से 60 किलोग्राम प्रयोग करें। साथ ही नाइट्रोजन की कुल मात्रा को 3 भागों में बांटकर 2 भाग को गोबर की खाद के साथ और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को खेत की तैयारी के समय ही मिट्टी में मिला दें। इससे उपज बेहतर होता है। फ्रेंच बीन की खेती की बात करें, प्रति हेक्टेयर हमें 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। नत्रजन की बात करते हैं तो 40 से 50 केजी, फास्फोरस 75 से 80 केजी और पोटाश जो है 55 से 60 केजी का प्रयोग हमारे किसान भाई करें। और नाइट्रोजन की दो कुल मात्रा को 3 भागों में बांट के 2 भागों को गोबर की खाद के साथ में और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा को खेत की तैयारी में के समय ही मिला दें। ओल की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 500 ग्राम बीज प्रति गड्ढा और 140 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में गजेंद्र, विधान, कुसुम, श्री पद्मा लगाएं। ओल की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ओल की खेती के लिए 40 सेंटीमीटर व्यास और गहराई वाले गड्ढे खोदें। उसमें ऊपर की मिट्टी, गोबर, खाद और उर्वरक मिलाकर गड्ढे को भर दें। लगाने के लिए 500 ग्राम वजन के बीज का व्यवहार करें। लगाने से पहले बीज को 0.15% कार्बन डाइजिम और 0.10% मिथाइल डिमेटोन से उपचारित करें। यदि बड़े आकार के बीज को काट कर लगाने हो तो ध्यान रहे कि प्रत्येक कटे भाग में शीर्षस्थ कालिका का कुछ अंश अवश्य हो। साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। किसान भाई, फसलों की कटाई के लिए वैभव हंसिया नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 20 से 25 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है, बिना रासायनिक दवाइयों के उपयोग किए भिंडी फसल में सफेद मक्खी कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाइयों, आज हम आपको बिना रासायनिक दवाइयों के उपयोग किए भिंडी फसल में सफेद मक्खी कीट की रोकथाम के उपाय के बारे में बता रहे हैं। उपाय बिल्कुल आसान है। आप अपने भिंडी फसल वाले खेत में येलो या डेल्टा ट्रैप लगा दें। सफेद मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो इसमें फंसकर मर जाएंगे। और अब एक नजर
राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मिर्च की खेती। वैसे तो हमारे भोजन में मिर्च का इस्तेमाल हमारे सलाद से लेकर हर वक्त के खाने में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए हमारे किसान भाई मिर्च की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यूँ तो हमारे किसान भाई पारंपरिक तरीके से मिर्च की खेती करते हैं, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक विधि को अपनाते हुए मिर्च की खेती करेंगे तो ज़्यादा लाभ पाएंगे। तो चलिए संपूर्ण जानकारी लेते हैं, मिर्च की वैज्ञानिक खेती आप कैसे करेंगे इस फीचर के माध्यम से। हिंदुस्तानी जायके में तीखा यानी मिर्च का होना जरूरी है। यही वजह है कि पूरे भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर मिर्च की खेती होती है। अपने राज्य झारखंड में भी मिर्च की बहुत अच्छी खेती होती है। झारखंड में खरीफ, रबी और जायदा यानी कि ग्रीष्मकालीन तीनों मौसम में मिर्च की खेती की जाती है। राज्य के किसान वर्तमान मौसम में गर्मा मिर्च की वैज्ञानिक खेती करें, इसके लिए सबसे पहले अच्छी तरह से खेत की तैयारी करें। 2 से 3 बार खेत की गहरी जुताई करें। हर जुताई के बाद मिट्टी को समतल कर दें। अंतिम जुताई के समय मिट्टी में अनुशंसित मात्रा में सड़े हुए गोबर की खाद डालें, साथ ही इसी समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश भी दें। किसान भाइयों, मिर्च की अगर फसल की हम बात करते हैं तो झारखंड राज्य में उसकी खेती जो है मुख्य रूप से तीनों सीजन में की जाती है, जायद में भी, खरीफ में भी और रबी में भी। अगर हम जायद की खेती की बात करें तो जो वर्तमान समय है बहुत उपयुक्त चल रहा है। तो किसान भाइयों, इसके लिए सर्वप्रथम हम खेत की तैयारी अन्य फसलों की ही बात 2-3 जुताई के साथ करें, उसके बाद हर बार उसको समतल कर दें। और जब हम खेत की अंतिम जुताई कर रहे होते हैं उस समय अच्छे प्रकार से 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। किसान भाइयों, गोबर की खाद के चुनाव के समय ये ज़रूर ध्यान दें कि पूरी तरह से सड़ी हुई हो, अन्यथा दीमक लगने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसी खाद का ही चुनाव करें जो पूरी तरह से भुरभुरी हो, सड़ चुकी हो और उसमें किसी प्रकार की गंध ना आ रही हो। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर मिर्च की हम संकर प्रजातियों का चुनाव कर रहे हैं जिससे हमें अधिक उपज प्राप्त होने की संभावना रहती है, तो 70 से 75 किलो नाइट्रोजन, 60 से 65 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा पोटाश की हमें प्रयोग करनी चाहिए। अंतिम जुताई के समय ही हमें 3 भागों में जो कुल नाइट्रोजन की मात्रा उसको 3 भागों में बांट के पहले भाग को जुताई के समय और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को ही हमें उसी समय मिला देना चाहिए खेत में, और खेत को समतल करके फिर उसकी भूमि को तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि बीज की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी उपज होगी। इस बात को ध्यान में रखकर उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। बाजार में जिस किस्म के मिर्चा की मांग अधिक है, आसानी से बेचने के लिए उसी किस्म का मिर्च लगाना फायदेमंद है। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं मिर्च की खेती की, तो विभिन्न प्रकार की संकर किस्मों का हमारे किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा मुक्त परागित किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। तो अगर उन्नत किस्मों की बात की जाती है तो पूसा सदाबहार, हरका हरित, अरका मेघना, कल्याणपुर चमन, कल्याणपुर चमत्कार, इन किस्मों का हमारे किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मिर्च में अगर अनुकूल प्रजातियों की बात करते हैं झारखंड के लिए, तो विभिन्न प्राइवेट कंपनियों की भी वेराइटीज़ बहुत अच्छी हैं, 505 है, इसके अलावा आर्मर है, इन सब प्रजातियों का भी अगर किसान भाई चुनाव करते हैं तो अच्छी उपज प्राप्त होती है। और किस्मों का चुनाव करते समय थोड़ा सा बस यही ध्यान दें कि जो बाज़ार में जिस प्रकार की किस्मों की मांग है उसकी ही उस प्रकार, जैसे यहाँ पे देखा जाता है कि जो छोटी मिर्च हैं, जो आकार में छोटी हैं, उनका ही बाज़ार भाव अच्छा मिलता है, तो इस प्रकार से उन्हीं प्रजातियों का चुनाव करें। और संकर किस्मों का चुनाव करते हैं तो अधिकतम उपज हमें प्राप्त होती है। मिर्च फसल में विषाणु जनित रोग लगने का खतरा रहता है। इन विषाणु को फैलने का काम करते हैं सफ़ेद मक्खी। मिर्च फसल सफ़ेद मक्खियों से ग्रसित ना हो, इसके लिए बिछड़ा तैयार करने के समय ही बचाव के उपाय अपनाने चाहिए। बिछड़ा तैयार करने की 2 विधियां हैं, एक है लो टनल
और अंदर क्यारी बनाकर पौधा तैयार करना। दूसरी विधि है प्रो ट्रे में कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट डालकर बीज बोना और पौधा तैयार करना। किसान भाइयों, इसमें मिर्च की खेती में जो सबसे प्रमुख समस्या आती है वो विषाणु रोगों का समस्या देखी जाती है, जिसमें जो पौधे की पत्तियां हैं वो सिकुड़ती हैं और छोटी हो जाती हैं। तो इसका जो वाहक कीट होता है वो सफ़ेद मक्खी होता है। तो किसान भाइयों, इसके जब हम नियंत्रण की बात करते हैं तो ये कार्य हमें बीजों की बुआई के समय से ही इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे मिर्च की खेती होती है, इसमें पहले हम बिचड़ा तैयार करते हैं, उसके बाद उसकी खेतों में रुपाई करते हैं। तो बिचड़ा तैयार करते समय विशेष ध्यान दें, इसमें दो तरीके हम अपना सकते हैं। एक तो हम क्यारियों में इसकी बीज को लगा सकते हैं और दूसरा इसमें प्रो ट्रे विधि से भी हम नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हम क्यारियों में लगा रहे हैं तो लो टनल संरचना का निर्माण करके, जिसमें बांस की खपच्चियों को या लोहे की जो छड़ है उसको अर्धचंद्राकार मोड़ के और इसके ऊपर जो हम क्यारी बना रहे हैं 3x1 मीटर की, अगर एक क्यारी हम बनाते हैं तो इसके ऊपर इनको लगा के और कीटरोधी जाली से इसे ढक देते हैं। तो कीटरोधी जाली विषाणु रहित जो पौधा है उसको तैयार करने में हमारी मदद करती है। इसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप नहीं होता है, इससे हम बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार की संरचना में अगर हम पौधों की तैयारी करते हैं तो हमारी विषाणु रोगों से इसको हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। दूसरी विधि ये है कि अगर हमारे पास ये जाली उपलब्ध नहीं हो पाती है तो नियमित अंतराल पे 7 से 10 दिन के अंतराल पे कीटनाशी का, चाहे हम अगर जैविक विधि में खेती कर रहे हैं तो नीम आधारित जो विभिन्न कीटनाशी हैं उनका हम छिड़काव कर सकते हैं 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, या इमिडाक्लोप्रिड दवा 1 ml 3 लीटर पानी में घोल के इसका एक साप्ताहिक या 10 दिन के अंतराल पे इसका छिड़काव करते रहेंगे तो भी हम सफ़ेद मक्खी से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम प्रो ट्रे में बिचड़ा तैयार कर रहे हैं किसान भाइयों, तो उसमें 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट इसको मिला के प्रो ट्रे को भर देते हैं और उसके बाद इसमें बीजों की बुआई करते हैं। तो इस प्रकार से भी हम पौधों की तैयारी कर सकते हैं। रोग लगने के कई कारण होते हैं, इनमें से एक कारण है रोपाई में पौधों और कतारों के बीच अनुशंसित दूरी की कमी और बिचड़ों को समय से पहले या समय के बाद खेत में रोपना। नर्सरी में बिचड़ा जब 3 सप्ताह का हो जाए तो उसे खेत में रोप दे। खेत में शाम के वक्त रोपें, रोपाई में कतारों और पौधों के बीच 1.5 फीट की दूरी रखें। किसान भाइयों, इसके लिए हमें उसकी रोपाई से ही इसका ध्यान देना होता है। रोपाई का जो मुख्य समय होता है वो 20 से 25 दिन के लगभग जब हमारा बिचड़ा तैयार हो जाता है तो उसी समय हम इसकी रोपाई करें। रोपाई के लिए उचित दूरी का प्रबंध करें, क्योंकि जो भी समस्याएं मिर्च में आती हैं या किसी भी फसल में आती हैं वो केवल एक कोई कारण उसका विशेष नहीं होता है। विभिन्न समय समय पे हमें, जैसे कि जो हम रोपाई कर रहे हैं उसमें 45x45 सेंटीमीटर यानी 1.5x1.5 फुट पे, क्योंकि जायद में जो उसकी बढ़वार होती है वो कम होती है खरीफ फसल की तुलना में, तो इसमें दूरी हम 1.5x1.5 फीट की रखते हैं। यदि जो संभव हो सके तो हम ड्रिप और मल्चिंग के साथ में इसकी खेती करते हैं। अगर जब हम इसकी रोपाई कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ये जरूर ध्यान दें, मृदा में नमी तुरंत अच्छी बनी रहे। जिस टाइम हम रोपाई कर रहे हैं उसके तुरंत बाद हमें सिंचाई करनी होती है। रोपाई का कार्य विशेष रूप से हमें जो सेकेंड हाफ होता है यानी कि दूसरे पहर में दिन के करनी चाहिए, ताकि पौध को पूरी तरह से उसमें स्थापित होने में सही समय मिल जाता है। रात भर में जो हमें पौध होती है वो स्थापित हो जाती है। अगर हम प्रो ट्रे का विधि से इसमें बिचड़ा तैयार करके रोपाई करते हैं तो जड़ों का विकास अच्छा होता है, जड़ें क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं और लगभग ये देखा जाता है कि 1 सप्ताह से 10 दिन पहले हमारी पौध तैयार हो जाती है। मिर्च की वैज्ञानिक खेती में उर्वरक प्रबंधन इस प्रकार से करें, नाइट्रोजन की कुल मात्रा को 3 बराबर भागों में दें। 1/3 नाइट्रोजन अंतिम जुताई के समय दें, शेष 2/3 हिस्सा बुआई के बाद 20 से 25 के अंतराल पर 2 बार दें। इसके अलावे पौधा लगाने के 45 दिन बाद पौधों पर प्लानोफिक्स दवा के घोल का छिड़काव करें, इससे फूल झड़ने की समस्या नहीं होगी, अच्छी उपज होगी और ज़्यादा लाभ होगा। किसान भाइयों, जैसा हमने बताया कि जो अनुशंसित मात्रा है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटास की, 70 से 75 kg नाइट्रोजन, 60 से 65 kg फास्फोरस और 60 से 65 kg पोटास की मात्रा अगर हम प्रयोग करते हैं तो अच्छी उपज ले सकते हैं। एक थोड़ी सी समस्या इसमें फूलों के झड़ने की बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इस समस्या के निदान स्वरूप लगभग 45 दिन बाद, जब हम रोपाई करते हैं तो उसके 45 दिन बाद हमें जो प्लानोफिक्स नाम की एक दवा बाजार में उपलब्ध होती है उसका 1 ml 4.5 लीटर पानी में घोल के इसका हम छिड़काव कर दें। उसके बाद पुनः 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव की अगर हम इसमें छिड़काव कर देते हैं तो फलों के झड़ने की समस्या नहीं आती है।
तो किसान भाइयों, इन सब बातों का ध्यान देके आप मिर्च की खेती करते हैं तो अच्छी उपज और अधिकतम आय इससे सुनिश्चित की जा सकती है। किसान भाइयों, जैसे कि गर्मी का मौसम दस्तक दे चुकी है और ऐसे में हम सभी का पसंदीदा फल है तरबूज। तरबूज हमें लू से भी राहत दिलाती है और गर्मी से भी राहत दिलाती है, और हमारे किसान भाई तरबूज की खेती बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि तरबूज की खेती की सिंचाई और प्रबंधन आप कैसे करेंगे, तो चलिए देर ना करते हुए संपूर्ण जानकारी लेते हैं फीचर के माध्यम से। गर्मी के मौसम में सूखते हुए गले को तर करने वाला फल है तरबूज। तरबूज ग्रीष्मकालीन फसल है और बाजार में तरबूज की मांग और इससे होने वाले धन लाभ को देखते हुए झारखंड में भी तरबूज की खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। किसान भाई, तरबूज की खेती के लिए सबसे पहले अच्छी तरह से खेत की तैयारी करें। इसके लिए मिट्टी पलट हल से खेत की गहरी जुताई करें, उसके बाद पटेला से खेत समतल करें। अंतिम जुताई के समय कंपोस्ट DAP और MOP उर्वरक मिट्टी में मिला दें। आप अपनी सुविधा अनुसार ड्रिप एरिगेशन के तहत और बिना ड्रिप एरिगेशन के भी फसल लगा सकते हैं, लेकिन दोनों विधियों के लिए कतार की दूरी और मेड़ की चौड़ाई अलग अलग होगी। झारखंड जो है वो तरबूज की खेती में काफ़ी अग्रसर तेजी से हो रहा है, और यहाँ पर अगर तरबूज की खेती के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी, चूँकि ये गर्मा मौसम का फसल है और इसकी खेती जो है बहुत बड़े पैमाने पे धीरे धीरे लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है किसानों को इसको दो तरह से इसमें मिट्टी की या भूमि की तैयारी हम लोग करते हैं। सबसे पहले उनके पास ट्रैक्टर है, मोल्ड वोल हल है या हैरो है, डिस्क है, कल्टीवेटर है, उससे एक बार मिट्टी पलट वाले हल से उसके मिट्टी को पलट देते हैं। उसके बाद फिर उसका हम लोग जो है पटेला लगा करके उसको समतल कर देते हैं। समतल करने के बाद जो है, अगर मान लीजिए कोई किसान बंधु अगर चाहते हैं कि इसका जो है ड्रिप इरिगेशन से यानी टपक सिंचाई विधि से अगर इसकी खेती करें, तो वो लगभग 1 मीटर चौड़ा आप जो है उसको मेड़ बनाना पड़ता है, और उसके बाद उसका 1 फीट चौड़ा नाली रहता है, उसके बाद फिर मेड़ बनता है। तो इस तरह का जो है उनको भूमि की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई अगर इसको ओपन में अगर खेती करना चाहते हैं तो उनको थाला बनाना पड़ता है, तो 2-2 मीटर की दूरी पे वो जो है 1-1 फीट का थाला बनाते हैं, और थाले में जो है उनको भूमि की तैयारी करते हुए वहाँ पर बढ़िया ढंग से कुदाल से वो जुताई कर लेते हैं या खुदाई कर लेते हैं, और उसके बाद वहाँ पर जो है एक थाले में कम से कम जो है वो लगभग आपका 2 से 3 किलो कंपोस्ट खाद या केंचुआ खाद उसको अच्छी ढंग से मिलाते हैं। लगभग 50 ग्राम DAP और लगभग 20 ग्राम MOP वहाँ पर प्रत्येक थाला में उनको तैयारी करके। यदि बिना ड्रिप एरिगेशन के सामान्य विधि से तरबूज की बुआई कर रहे हैं और उस वक्त मौसम में ठंडक हो तो एक स्थान पर 2 से 3 बीज बोएं, लेकिन ड्रिप एरिगेशन तकनीक में 1-1 बीज बोएं, प्रति एकड़ की दर से बीज की मात्रा अनुशंसित है। अगर ज़्यादा ठंडी का अगर समय है तो उनको जो है 2 या 3 बिजाई करते हैं, एक थाले में 2 से 3 बीज गिराते हैं और उसके बाद ढक देते हैं। लेकिन अगर इसको अगर हम लोग ड्रिप में अगर देखते हैं तो ड्रिप में इसका मेथड दूसरा हो जाता है। उसमें जो है किसान भाई को लगभग जो है हम लोग देखते हैं कि 1-1 मीटर पर जो है 1-1 पौधा लगाया जाता है। 1-1 मीटर पर 1-1 पौधा, तो लगभग 1 एकड़ में अगर औसतन देखा जाए तो लगभग जो है 3600 पौधे वो लग पाते हैं, और अगर ओवरऑल अगर इसका हम लोग बीज की मात्रा देखें तो 200 से लगभग जो है वो आपका 250 ग्राम जो है बीज की मात्रा इसमें काफ़ी होती है। तो भूमि की तैयारी करते समय अगर इस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसान भाई बीज को अगर इसका अगर शोधन कर ले तो लगाने के लिए उनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो शोधन करने के लिए जो है बहुत सारा है, आपके पास बीज संजीवनी अगर आपने बनाया है तो बीज संजीवनी में उसको हम लोग डालते हैं, उसके बाद फिर जो है नहीं है तो कार्बेंडाजीम है, उससे जो है हम लोग 2 ग्राम प्रति 10 से 15 ग्राम जो है बीज के अनुसार से उसको, चूँकि ये डायरेक्ट सोइंग है तो मतलब जो है उसको हम लोग क्या करते हैं कि बीज को उपचार करके और तब उसके बाद लगाते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम से अगर उपचार करना है
तो 6 ग्राम जो है वो करीब करीब बीज को उसमें डाल करके उसको उपचार करते हैं, तो इस तरह से करते हैं। इसके तरबूज के बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए बुआई में उन्नत प्रभेद वाले बीजों का उपयोग करना बेहद जरूरी है। झारखंड के मिट्टी और मौसम के अनुकूल उन्नत प्रभेदों में सुगर बेबी और अर्कस ज्योति सहित कई सामान्य और संकर प्रभेद उपलब्ध है। आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है किसान भाई को ये बताना चाहते हैं कि इसकी जो है उन्नतशील प्रजाति, कुछ उन्नतशील प्रजाति है उसको जरूर जो है किसान भाई को ध्यान देना चाहिए इसको लगाने के लिए। इसके लिए जो है हम लोग देखते हैं कि सुगर बेबी जो है यहाँ का बहुत फेमस वेराइटी है। पहले जो है बहुत मात्रा में इसकी खेती होती थी। इसके अलावा आर्का मानिक है। इसके साथ साथ जो है हम लोग देखते हैं PKM1 है। ये वेराइटी जो है वो आपका उन्नतशील प्रजाति है। इसके साथ संकर किस्म जो है उसको अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें आर्का ज्योति और पूसा बेदाना, ये दो वेराइटी है। इसके साथ साथ जो है अगर देखें तो मैक्स या आपका जो है एक वेराइटी जो है बहुत फेमस है आइस बॉक्स, तो इसको जो है हम लोग देखें कि संकर किस्म बाजार की वेराइटी, ये दोनों आप जो है उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसान भाई अगर लगाने की बात करें तो सबसे बेहतर समय हम कहेंगे कि इसको जो है 15 जनवरी के बाद अगर आप लगाते हैं तो वो सबसे इसके लिए उपयुक्त है। और एक थाले में एक, लेकिन किसान भाई को एक मैं इसमें जो है विशेष तकनीकी जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि इसका जब लत्तर जब चलने लगा, तो लत्तर चलने लगा तो कभी कभी जो है ये वेराइटी है उसमें जो है 1 किलो से लेकर के 4-5 किलो, 6 किलो, कभी कभी 10 किलो तक का साइज जो है वो तरबूज में प्राप्त होता है। तो कई सारी जो है इसमें औषधीय गुण भी बहुत सारे मिलते हैं जिसको जो है लोग इसको खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यवहार कर रहे हैं। किसान भाइयों, गहरे लाल गूदे वाले तरबूजों की मांग अधिक होती है। ऐसे तरबूज के कई प्रभेद हैं। हालांकि तरबूज की लालिमा के लिए उर्वरक, सिंचाई और उसकी परिपक्वता भी उत्तरदायी होता है। उस ढंग की वैरायटी है कि आपका सफ़ेद भी होता है, एक आपका पीला रंग का होता है, एक लाल रंग की होती है, एक थोड़ा सा जो है वो लाल और सफ़ेद के बीच में होता है, तो ये सब वैरायटल करेक्टर है। तो किसान भाई को जो है अगर लाल वाला चूँकि बाज़ार में है तो लाल वाला का ही मैं वैरायटी का जो है बताया, आर्का मानिक है या आपका जो है पूसा ज्योति है या आपका जो है ये आइस बॉक्स है या मैक्स है, ये सब जो है डीप रेडेड जो है वैरायटी है। अगर इस किस्म को अगर किसान भाई लगाते हैं तो वो पूरा लाल का कोई समस्या उनके पास नहीं होगी। और जब पूरा तरह से मैच्योर्ड होगा तो मैच्योर्ड होने से जब फल जो है पूरा पक जाएगा तो उसको जो है किसान भाई छू करके देखने से या उसको उंगली से मारने से वो पता चल जाएगा कि ये पूरा तरह से मैच्योर्ड हुआ है कि नहीं। और उसके बाद फिर जो है उसको आप जो अगर हार्वेस्ट करेंगे तो वो आपको पूरा तरह से लाल होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं और थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें कुछ जो है कीट वगैरह भी का आक्रमण होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इसमें रेड पंपकिन बीटल है शुरुआत में वो कीट से जो है काफ़ी क्षति पहुँचाता है। तो मिट्टी तेल और आपका जो है राख, उसमें अगर 1 किलो राख में आप जो है 100 ml मिट्टी तेल मिला करके अगर उसका बुरकाव कर दिए तो उससे जो है उस कीट से आप बचा सकते हैं और अपना बेहतर उत्पादन को ले सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले हम बताना चाहेंगे अपना पता, ताकि आप अपने सुझाव और अपने सवाल हम तक लिख सके। तो नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं और आप अपने हिसाब से कभी भी कहीं भी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आज के अंक के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए अंक में नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।